यह है 2006 की सबसे पहली ओडी R8 और यह है 2024 की लास्ट एंड फाइनल ओडी R8। लास्ट इसलिए क्योंकि अब से ओडी R8 हमेशा के लिए डेड हो गई है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ओडी ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो अब से कोई भी ओडी R8 को नहीं बनाएंगे, मतलब इसको अब डिसकंटिन्यू कर दिया है। लेकिन दोस्तों, सवाल आता है कि आखिर इतनी पॉपुलर और बेस्ट साउंडिंग V10 इंजन वाली कार को कंपनी डिसकंटिन्यू क्यों कर रही है? एंड साथ में ये भी, क्या ओडी R8 कभी दोबारा लॉन्च होगी या फिर अब इसका फ्यूचर क्या होगा? आइए जानते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो इस लीजेंड गाड़ी की शुरुआत होती है 2003 में, जब ओडी इसे जेनेवा मोटर शो पर रिवील करता है। अपने लॉन्च के टाइम ये कार फर्स्ट रोड लीगल जर्मन सुपरकार थी। लुक्स में ये गाड़ी पूरी एक सुपरकार वाली वाइब देती थी, जो ये ऑब्वियसली थी भी। इसमें हमें उस टाइम में फुल्ली LED हेडलाइट मिलती थी, साथ ही ये कार लाइट रहे इसलिए इसे बनाया भी कार्बन फाइबर और एल्यूमिनियम से गया था। मतलब देखो तो ये टाइमलेस डिजाइन आज भी ओल्ड नहीं लगता है। अब जैसे ओडी ने इसे एक सुपरकार वाले सेगमेंट में डाला था, तो पावर भी इसमें एक सुपरकार वाली देनी पड़ी, और इसीलिए इस कार में हमें दो मोस्ट पावरफुल इंजन ऑप्शन मिलते थे। फर्स्ट 4.3 लीटर का V8 इंजन जो 420 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था, और सेकंड इसका मोस्ट पॉपुलर 5.2 लीटर V10 इंजन जो इस गाड़ी को 525 हॉर्स पावर की ताकत देता था। आपको बता दूं, ये इंजन हमें लैम्बोर्गिनी हुराकन में मिलता है, जो कि खुद एक बेस्ट साउंडिंग V10 इंजन वाली कार है। बात तो सही है। अब 2015 से पहले इस गाड़ी में काफी चेंजेज हुए, लेकिन इसकी प्रॉपर जनरेशन चेंज हुई 2015 में, जब ओडी ने अपनी न्यू R8 को रिवील किया था, जिसको आप आज भी देखते हो। हाँ, वो बात अलग है कि ओवर द ईयर इस गाड़ी में काफी सारे मैकेनिकल और कॉस्मेटिक चेंजेस होते गए, लेकिन काफी चीजें सेम ही रही। जैसे इसमें न्यू जेन के साथ V8 इंजन को हटा दिया गया और उसे ओनली V10 से रिप्लेस कर दिया। सेकंड, अब इसमें एक ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट के अलावा केवल रियर व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट भी आता था। थर्ड, अब इसमें हमें कन्वर्टिबल का ऑप्शन भी मिलता था। सो देखें तो अपग्रेड और डाउनग्रेड दोनों ही हुए हैं। करंटली ओडी R8 में हमें केवल एक ही इंजन मिलता है, और वह है 5.2 लीटर V10 इंजन। यह इंजन 570 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। फिर भी अगर आप इतनी पावर से खुश नहीं हो, तो इसी इंजन में हमें एक अपग्रेडेड वर्जन भी मिलता है जो 620 हॉर्स पावर जनरेट करता है। ओडी R8 का इंजन एक नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन था, जो इसकी रॉ पावर और साउंड के लिए फेमस है। यह कार अपने सेगमेंट की बेस्ट साउंडिंग कार थी। इसकी सेल की बात करें तो ओडी ने पूरे प्रोडक्शन टाइम यानी लास्ट 17 ईयर में इसकी करीब 44,000 यूनिट सेल की है, जो कि एक सुपर कार या इस प्राइस में आने वाली कार के लिए ठीक ठाक है। तो दोस्तों, यहाँ तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी ओडी की तरफ से एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आती है कि मार्च 2024 से ओडी R8 को पूरी तरह डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। आपको सुनकर दुख होगा कि ओडी ने अपनी लास्ट एंड फाइनल R8 को भी अपनी फैक्ट्री से रोल ऑफ कर दिया है। एंड जो लास्ट R8 है, वो है ओडी R8 परफॉर्मेंस क्वाट्रो एडिशन। ये हमें ब्यूटीफुल येलो कलर में मिलती है, जिसमें 20 इंच के ऐसे वाले एलॉय लगे हुए हैं। इसको पावर देने के लिए इसमें वही सेम 5.2 लीटर का V10 इंजन लगा हुआ है, जो 610 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। एंड ये कार 0-100 ओनली 3.2 सेकंड में टच कर लेती है, मतलब फास्ट नहीं, बहुत ज्यादा फास्ट। आप अगर इसे खरीदने की सोच रहे हैं, तो बता दूं, इसे आप खरीद नहीं सकते, क्योंकि जैसा कि ये लास्ट R8 है, तो ओडी इसे सेल नहीं करेगा। वो इसे मस्त अपनी ऑफिशियल म्यूजियम, जो कि जर्मनी में है, वहीं पे रखेगा। खैर, अब अपने असली सवाल की बात करते हैं कि अगर ये कार इतनी ज्यादा फेमस है और इतनी अच्छी है, तो कंपनी क्यों इसे बंद करने पर तुली है? तो इसका जवाब है टाइम के साथ एवोल्यूशन। मोस्टली कंपनी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कार की तरफ शिफ्ट हो रही है, एंड सच में फ्यूचर इलेक्ट्रिक है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से कंपनी अपनी आइकॉनिक कारों को बंद करके इलेक्ट्रिक सीट पर शिफ्ट हो रही है, उससे तो देखकर यही लगता है कि फ्यूचर इलेक्ट्रिक ही है। वैसे ओडी ने 2015 में इस कार का इलेक्ट्रिक वर्जन भी लॉन्च किया था, जिसका नाम ओडी R8 e-tron था। अब जैसा कि ये एक इलेक्ट्रिक वर्जन था, तो इसे लोगों ने ज्यादा प्यार नहीं दिया। इस कार की 100 से भी कम यूनिट सेल हुई, एंड बाद में इसे ओडी ने डिसकंटिन्यू कर दिया। लेकिन इन फ्यूचर ओडी R8 को इसी इलेक्ट्रिक अवतार में लाएगा, जिसमें ना तो इसका बेस्ट साउंडिंग V10 इंजन होगा और ना ही वो मजा। इसमें हमें एक इलेक्ट्रिक मोटर मिलेगा, जो टेक्निकली अभी वाली R8 से पावरफुल तो होगा, लेकिन इंजन की वो रोर और वो असली फील इसमें नहीं मिलेगी। बाकी लुक्स इसकी काफी हद तक यही रहेगी, अभी के जैसे ही। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग न्यू इलेक्ट्रिक ओडी R8 अगले साल यानी कि 2025 में रिवील हो सकती है। प्राइस वगैरह की टेंशन आप मत लो, क्योंकि अभी ये इंडिया में नहीं आने वाली, और ये इलेक्ट्रिक है तो मैं तो कहता हूँ ना आए तो और भी अच्छा है। तो दोस्तों, ना चाहते हुए भी हम इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं। ओडी R8 के साथ साथ डोज चैलेंजर, शेवरले कैमेरो और डोज चार्जर जैसी कार भी इसी रीजन से बंद हो गई। आप मुझे कमेंट में बताना आपको इलेक्ट्रिक कार अच्छी लगती है या इंजन वाली। बाकी R8 के लिए कमेंट में रीप भी लिख देना। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। खत्म।